नमस्कार और आपने लॉगिन किया है रेसलिंग न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज की स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हो चुका है। यहाँ पर हमें शार्लेट फ्लेयर की वापसी देखने को मिली। उन्होंने यहाँ आकर बैकी लंच की मदद की। तो इस वीडियो में कवर करेंगे आज की स्मैकडाउन के कुछ सेगमेंट्स को हिंदी में। तो पहले बात करेंगे जेफ हार्डी के सेगमेंट की। तो यहाँ पर जेफ हार्डी आते हैं और कहते हैं कि मैं पहले भी इस बिजनेस का हिस्सा था, अब फिर से मैं नए WWE यूनिवर्स के सामने हूँ। मैं नाकामुरा को हराकर फिर से खिताब वापस लूंगा, लेकिन ये रैंडी ऑर्टन कहाँ से बीच में आ गया? रैंडी बाहर आकर आज इस बात को सुलझा दो। रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक बजता है और वो रिंग में आ रहे हैं, लेकिन तभी शिंस्के नाकामुरा पीछे से जेफ हार्डी के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने जेफ हार्डी की इंसल्ट करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए और मुंह पर बोतल डालकर उनके मुंह का पैंट उतारने लगे, जिसके बाद होता है डैनियल ब्रायन का सेगमेंट। डैनियल ब्रायन रिंग में आते हैं और कहते हैं कि पिछले 2 सालों से मिज ने मुझे परेशान किया है, मुझे तंग किया क्योंकि मैं मेडिकली फिट नहीं था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मिज अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा है? अपनी पत्नी के साथ आता है, अपनी बच्ची को लेकर आने का ड्रामा करता है। मिज, तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो खुद को सही साबित करो। मैं यहाँ रिंग में हूँ, हिम्मत है तो आओ और तुम डरपोक हो। तभी मिज कहते हैं कि मैं डरपोक हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि तुमने मुझे आखिरी बार डरपोक कब बोला था? टॉकिंग इसमें याद है कैसे मैंने तुम्हारी बेइज्जती की थी और तुम कुछ भी नहीं कर पाए थे? और फिर ब्रायन कहते हैं कि मैं यहाँ लड़ना चाहता हूँ, लेकिन तुम फेमस होकर हॉलीवुड में जाना चाहते हो, लेकिन तुमसे अच्छे सुपरस्टार पहले ही कर चुके हैं द रॉक और जॉन सीना। ना तुम मान हो और ना ही तुम कभी याद किए जाओगे। और फिर समरस्लैम में मैच के लिए मांग की, लेकिन मिज ने एक बार फिर डैनियल ब्रायन का मजाक उड़ा दिया और इसी के साथ इस सेगमेंट का अंत होता है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।